नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24। इस समय मुगल कैनाल में खड़े हैं करनाल के, और एक व्यक्ति यहां पर खड़े हैं जिनका कहना है कि उनकी पत्नी किसी और से मिलती हैं अक्सर, और यहां पर जो है फिलहाल पहुंचे हैं और उनका कहना है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर वो गई हैं और खुद जब उन्हें पता चला तो उन्हें पकड़ने के लिए यहां पर आए हैं। क्या नाम है आपका, कहां से हो आप, क्या मामला? मैं डबर की कला से हूं जी। हां, क्या नाम है आपका? मोनू जी। क्या पूरा मामला क्या है? मामला जी पूरा जी, वो ऐसे ऐसे काम करते गलत जी। अच्छा, ऐसे ऐसे अब आई है जी, अपने घर से अपने घर जाती है जी, लड़ी करके रोजाना लड़ी करके भाग जाती है घर जी, वहाँ लड़ाई करके चली जाती है। हाँ जी, वहीं से आके फिर वहाँ से कोई बिठा के लड़का वो जा रहा है, ये जा रहा है, ये लड़का जा रहा है। तो बता रहे हैं, ये देख लीजिए सामने, ये देख लीजिए भाग रहा है ये, वो व्यक्ति जो है आप देख सकते हैं वो सामने की तरफ जो वो लड़का है, और वो यहाँ पर फिलहाल, तो यहाँ कुछ कहना मत, कुछ कहना मत, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल जो लड़का है तो पकड़ो उसे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिलहाल घर परिवार टूटते हैं, और अभी भी फिलहाल एक पति यहाँ पर अपनी पत्नी को मुझे पीटता है, ये बहुत ज्यादा मारता है, मुझे पीटता है, ये मुझे बहुत जलील करता है, ये मुझे उठा उठा के मारता है, बहुत मारता है मुझे बहुत। मैं 4 दिन अपने घर होती हूँ, 15 दिन यहाँ आती हूँ, बहुत मारता है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नहीं तो अभी आपका तलाक हो गया आपस में? तलाक इसी ने भगाई थी मुझे घर से, इसी ने मुझे मार पीट के भगाई थी घर से, मेरे 2 बच्चे भी छीन लिए इसी ने, जो किया इसी ने किया, सब कुछ इसी ने किया। छूना नहीं है, इसने घर अपने आप भागी थी, अपने आप भागी थी। अब देखो कैसे, देखो आ गया ना, देखो अब सबूत सामने है जी, मैं क्या करूँ जी, सबूत सामने है, हकीकत हकीकत सामने है जी, आप देख लो। वो व्यक्ति क्यों भागा अभी, क्या नाम है उसका? वो व्यक्ति का मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे आए हुए थे वैसे ही। पर वो तो भागा है ना हमारे साथ, मुझे नहीं पता। इंजाम बहुत शक करता है मुझे, मेरे भाइयों को बोलता है उसके साथ है तू, ऐसे बोलते है, बहुत गंदा जलील आदमी है, बहुत मारता है मुझे, बहुत। आपका तलाक हो गया आपस में? तलाक नहीं, भगा देता है मुझे घर से, भगा देता है ये। वो कह रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़ा करते हो घर पे, यही करता है, यही मारता है मुझे, यही सब कुछ करता है। मैं अपने आप आई हूँ भटकती, इतने जैसे मेरा पता नहीं किया, मैं घर से भागी, इसने मेरा पता नहीं किया, इसने मुझे घर से निकाल दिया, इसने मेरा पता नहीं किया, मेरी आँख लाल हो रही है, मेरा हाथ ये टूटा पड़ा, इसने पता नहीं किया, आज इसको मेरी पड़गी आज इसको। नहीं वो ऐसा है ना, ये यहाँ पहुँचे हैं, अगर आपको आपस में नहीं रहना, अगर आपको आपस में नहीं रहना है तो आप तलाक ले लो, उसके बाद जो मर्जी करो अपनी सबकी लाइफ। निकाला था मुझे घर से इसने सब कुछ किया, मैंने पहले कंप्लेंट भी की थी, इन्होंने फिर क्या किया था, जो घर ले गए थे मुझे, फिर से मार पीट के भगा देते हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, 4 साल से कोई नहीं सुनता मेरी, कोई भी पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुनते, कोई भी गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है, क्यों? अब मैं अपनी पे आई तो इसको अपनी लगी क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है, मैं एक दिन धक्के खाती रही, पानी पानी के लिए तरसती रही, और ये बंदा मुझे ढूंढने तक नहीं आया, पूछो इसे क्यों किया इसने ऐसा, मैं घर से निकली थी, घर से अपने आप भागी थी जी, घर से अपने आप भागी, इन्होंने मुझे बहुत मारा था, बहुत, अपने घर जाकर बहुत मारा था, अपने घर चली गई जी, चक्कर में देखो जी क्या चक्कर हो रहा है, आपके सामने है जो कुछ है, मैं क्या बोलूं जी, अब सामने है जो वो लड़का भी भाग गया जी, मेरे को इससे तलाक चाहिए जी, बस और कुछ नहीं। पहले आपके परिवारों को पता है कि आप आपस में सही से नहीं रह रहे? हां सब पता है उनको, सबको पता है, यार किसी के ऊपर शक करेगा, हर किसी के ऊपर ब्लेम, नशे की गोलियां और सब कुछ मिलते रहे हैं, फोन भी मिलते रहे हैं, सब कुछ मिलते रहे हैं। नशे की गोलियां कौन सी? अदलार को 2 की जी, सब कुछ मिलता रहा है, सब कुछ इनके घर वालों को भी दिया है, सब कुछ दिया है। नशे की गोलियां कौन लेता है? नशे गोलियां मेरे को देती है जी, नहीं देती, मेरे को देती है नशे की गोलियां जी, हाँ जी रोजाना ही। क्या कह रहे? झूठ है ये, झूठ बोल रहे हैं ये, सब कुछ झूठ है ये, कुछ भी सच नहीं है इसके पास, मैं जहाँ जाऊँ ये पीछा करते करते आ जाते हैं, मेरे घर भी मुझे नहीं जीने देते हैं, झूठ बोलते हैं ये, सब कुछ इसके पास झूठ है। मोटरसाइकिल भी खड़ी है जी उनकी जी, ये खड़ी है, दोनों मोटरसाइकिल देखो ये बंद हो गई नहीं आप, ये जिस तरीके से कह रहे हैं इन्होंने ये कहा है कि अब मैं तलाक जो है उसको देना चाहता हूँ, लेकिन वो घूमने, बस मैं कुछ नहीं करने आती, घूमने आई थी मैं किसी के साथ, मेरे को क्या पता कौन था, क्यों भागा, भागा कौन है जी, आपके सामने ही भागा है जी, मैंने थोड़ी भगाया उसको, मेरे को नहीं पता, भागा ना आपके सामने जी, जी जी फिर आप बताओ जी, तो पहले भी आपको पता चला इस तरीके से कोई है, देखो वो तो बता रहे कुछ नहीं, ये 4 साल से ऐसे कर रहे
साल होगी शादी को? शादी को 4-5 साल है जी। 5 साल? हाँ जी। तो आपका आपस में सही से क्या मतलब कब से दिक्कत? ये भाग जाती है जी अपने घर लड़ी करके छोटी मोटी बात पे, ये भाग जाती है जी। एक बार कंप्लेंट भी की थी, 3 बार 2 बार कंप्लेंट भी की थी, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के ले आए हम जी, सुधरते नहीं है। फिर क्या करे जी, आपके सामने है जी, जब रहना चाहते दो बच्चे फेंक के उठा के, आप नहीं गई बच्चे, आप उठा के नहीं गई बच्चे। तो ऐसे है ना, तो फिर आप सुनो ऐसे हाथ नहीं उठाना आप तो आप छोड़ के आप, तो ऐसे है ना, फिर आप रिश्ता तोड़ के अपना चले जाओ अपने घर पे। बात तो यही है ना, बजाय के साथ रहे। मुझे नहीं दे रहा, देना चाहता हूँ मैं तलाक, देना चाहता हूँ तलाक। जब ये भाग जाती बच्चे को छोड़ के, बच्चे पालना ही नहीं है इसने, क्या करूँ? कितने कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं जी, 2 लड़कियां हैं। बच्चे बर्गर की रेडी खोलता हूँ जी, मैं क्या करूँ जी? रेडी लगाते हाँ जी, गांव में। कहाँ पे? डबर की कला में जी। डबर की कला? हाँ जी। और मैं क्या करूँ? हर एक बात इसकी, अब मैं 10 दिन से यहाँ पे हूँ, ये पूछने तक नहीं आया मुझे, कहा जिंदा मर गई। इसने मुझे एक बार ढूंढने की कोशिश नहीं की, एक बार क्यों नहीं आया मुझे ये ढूंढने? क्यों नहीं आया मुझे ये ढूंढने? जब मैं पाऊंगी पानी के लतर, घर से भगा दिया मुझे, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास, 1 रुपया सारा दिन मैं गलियों में फिरती रही, पानी मांगती रही, फोन मांगती रही, इस बंदे ने एक बार भी मुझे नहीं ढूंढा। आप अभी आगे क्या चाहते हैं? आप तलाक देना चाहते हैं? तलाक देना चाहता हूँ। तो आपने उनके परिवार में बोल दिया है? हाँ जी बोल। उनका परिवार क्या कहता है? फोन किया था मैंने, उसके भाई को भी, उसके भाई को भी बोला है, उसके भाई को भी बोला है, भाई आ जाओ मम्मी को लेके, तलाक ले गई। अच्छा ये जब मेरे को मारता है तब तब नहीं, उसमें ऐसे है ना, सुनो मेरी बात, जब आपकी आपस में बनती नहीं है, अपने आप भागी थी घरों। मैंने थोड़ी भगाया इसको, कई बार लेके आऊँ, 10 बार तो घर से इसको लेके आया हूँ मैं, इसे नहीं भगाया था मुझे, लेके आया उसको जी, बोल बोलो जी, 10 बार। अभी आप आपस में कितने समय से ऐसे झगड़ा चल रहा है आप दोनों? 4 साल से हम दोनों में। आपके आपके मायके वालों ने तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया पुलिस वालों ने इसके खिलाफ। उनके भाई कभी ये खड़िया दो मेरे बच्चों को खर्चा नहीं देते, मेरा खर्चा नहीं देते, 4 साल से मेरे माँ बाप मुझे पाल रहे हैं, अभी भी मेरी गलती है, मेरी गलती है। हर किसी के ऊपर ब्लेम लगाएगा, मेरे भाई तक को भी नहीं छोड़ता ये। अब ब्लेम आप सामने ही है सब कुछ, इसमें क्या है ना, अब जैसे जो हालात सामने आए हैं उससे तो अभी इनको भी, अब ये भी ये दुनिया को बोलेंगे कि मैं तो इस वजह से जो है तलाक, ये मौका देख रहा था, ये इसी टाइम का मौका देख रहा था कि कब कुछ होगा और मैं कुछ करूंगा, ये तलाक लेना था तो शुरू से ले लेता ना, ऐसे दुनिया को समाज को दिखाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी ऐसे? कोई सुन नहीं रहा था, मेरे घर वालों भी नहीं सुन रहे थे, कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, ये ऐसे ऐसे काम करती है, क्या करूँ जी, कोई सुन नहीं रहा था, क्या करूँ मैं? अब आप देख लो बच्चों की उम्र कितनी है, बच्चों की 1-5 साल का, 1-1.5 साल का जी, बजाय कि ऐसे करने के, अगर ऐसा अगर अलग भी होते बच्चों की लाइफ पे भी कितना बड़ा असर होगा, ये तो आपको समझना चाहिए। अलग भी हैं हम जी, आप दोनों को एक साथ ये तो ये सोच लेना चाहिए, अपने बारे में नहीं बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचता बंदा, ये कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी, ये घटिया आदमी कुछ नहीं सोचता। उसमें ऐसे है ना, गलती कोई एक ना करे, दोनों ही इस बात को समझे ना। अब जैसे अभी हालात यहाँ पे आए हैं, अभी हमने देखा भी एक शख्स भागा है, आप कह रहे हो आप जानते नहीं हो, पर वो भागा क्यों? मेरे को नहीं पता इस बात से, मुझे आई डोंट नो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बता, जब मेरे साथ सब कुछ हो रहा था तब कहाँ होते हैं सब, कहाँ होते हैं सब? जब मेरे साथ मारपीट होती है तब कहाँ होते हैं सब, कहाँ होते हैं? किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ जब ये अत्याचार करता है ये तब कहाँ होता है? क्यों नहीं ढूंढता था मुझे, क्यों? तो अभी फिलहाल आप आगे क्या चाहते हो? मैं तलाक चाहता हूँ सीधा जी, बोल कुछ नहीं। तो आपने पहले भी उनके घर में बोला? बोल रखा जी। उनके घर वाले क्या बोलते हैं? उनके घर वाले कहते हैं सुधर जाएगी, नहीं सुधरी जी, देखो आप देखो जी, बोलते हैं ये। देखो जी नहीं सुधरी, आपके सामने है जी जो है जी, इसमें क्या है, इसमें हर्ज नहीं है, भागा भी है बंदा, मोटरसाइकिल अभी खड़ी है, सब कुछ है जी, देखो जी अब मैं क्या करूँ, ये अपने आप घर से भाग गया है और नशे की गोलियां देती है मेरे को, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? तेरी हर बात झूठ है, हर बात, हर बात।
देखो ये भी ऐसी, ये भी है बंदा जी, ये भी है। कौन है ये? मेरे को नहीं पता ये सब कौन है। राहुल, राहुल मोदीपुर से। देखो जी ये तस्वीर किसकी बता रहे हैं? ये जो लड़का भागा है। हाँ जी, ये भी भागा, तीन पकड़ भागे हैं जी। ये जी पकड़ लिया उसे? पकड़ भी लिया था, भागे हैं जी। अभी देखो भागे, एक ही लड़का था? दो लड़के, दो तीन लड़के थे। तीन लड़के? हाँ जी। नहीं तो ये कौन से, इस रेस्टोरेंट में थे सामने? इस रेस्टोरेंट में सामने जी। अच्छा, तो कौन है ये लड़का? फिलहाल जो है इन्होंने एक ये आधार कार्ड दिखाया है, ये आधार कार्ड आप देख सकते हैं। फिलहाल राहुल नाम बता रहे हैं और अभी फिलहाल इसने अपने भाई के साथ भी मार, और आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो भी रंजीत मोहे उड़ दईनपुर करनाल हरियाणा जो है एड्रेस इस पे आ रहा है। और तस्वीर में फिलहाल एक लड़का जो कि आप देख सकते हैं। आपने अभी पकड़ा है? हाँ जी बिल्कुल पकड़ा है। किस टाइम आप पहुँचे थे? इस टाइम घंटे पहले अवस्था में थे उस टाइम बीच में थे जी, अंदर कैफे में गए हुए थे। हाँ जी, कैफे में तो किसी और आदमी के। यहाँ पर जो है फिलहाल आपने देखा कि एक पति पत्नी आपस में जिस तरीके से घर के अंदर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दो बच्चे भी हैं, एक 3-4 साल का और एक 1.5 साल का, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर हालात कुछ ऐसे आए कि एक पति ने हमें जानकारी दी जो कि आप सामने देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक रेस्टोरेंट में उनकी पत्नी किसी और के साथ है। अभी उन्होंने एक लड़का, जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक लड़का कैमरे में दौड़ता हुआ नज़र आता है और उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से दौड़ता है। लेकिन पत्नी का ये कहना है कि वो उसके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन पति का कहना है कि वो उसे नशे की गोलियाँ देती है, बाकायदा उससे बेवजह झगड़ा करके घर से चली जाती है नाराज़ होकर, और लगातार 4 साल से ऐसा चल रहा है। और अभी फिलहाल पति पत्नी का ये जो ये झगड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से पति ने हमें ये जानकारी दी थी तो हम मौके पर पहुंचे थे कि आखिर क्या पूरा ये मामला है। लेकिन फिलहाल जो है आपसे अपील है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लोगों से अपील करेंगे। घर का कलेश जो है घर बर्बाद कर देता है, और ऐसे में ही एक परिवार आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ पर फिलहाल इस तरीके से झगड़ा करते हुए खड़ा है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि पति का कहना है कि वो तलाक लेना चाहते हैं काफ़ी समय से, लेकिन वो चाहते थे कि ये बात दुनिया को पता चले। वो आज तक कभी किसी को बता नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नी जो है उनके किसी से कोई संबंध है या वो किसी से मिलती हैं, और उनका कहना है कि वो इसी आधार पर तलाक चाहते थे कि उनकी पत्नी जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। फिलहाल जो है मौके पर एक लड़का पकड़ा गया था जो कि दौड़ गया है, उसकी आईडी जो है वो उन्होंने किसी तरीके से उनके पास मिली है, और उस आईडी के अंदर एक लड़का जो कि राहुल नाम बताया जा रहा है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि शायद ये परिवार आपस में बच सके, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उनको देखकर तो काफ़ी मुश्किल लग रही है। आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएँ। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।